नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पपीते के ऊपर। दोस्तों, अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों की केयर कैसे करनी है पपीते की। आप मेरे पपीते का प्लांट देख सकते हो, जो अभी 3.5 महीने का हो चुका है। जब मैं लाया था बिल्कुल छोटा सा था, और आज इसकी ग्रोथ देखो और कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखेगी। तो वो आज उसका भी आपको हल बताऊंगा कि आप पपीते को कैसे लगा सकते हो और कैसे इसकी आपको केयर करनी है पूरी, ताकि आपका प्लांट भी हेल्दी हो और अच्छे से ग्रो कर पाए। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं टेरिस गार्डनिंग बाय मोहित। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार, सिर्फ 25 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे मोनेटाइज करने के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, मेरी यूट्यूब की फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करो और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम पपीते के बारे में। दोस्तों, आप ये देख रहे हो पपीते का प्लांट, जिसके काफ़ी नई रूट्स वगैरह भी निकल रही है, फ्रूट भी शायद आने वाला है यहाँ पे देखोगे तो आप, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आप पपीता लगाते हो तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो दोस्तों, इसकी सॉइल, जो इसकी आत्मा होती है। तो जैसे आप ये मेरी देख रहे हो, मैंने इसके अंदर सिर्फ गोबर का ही यूज़ किया है, इसके अंदर कोई भी आपको सॉइल नहीं दिखेगी। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। जब भी आप प्लांट लगाओ तो सोयल का बहुत कम इस्तेमाल करो, ताकि आपका प्लांट भी हेल्दी हो, इसको पोषक तत्व भी भरपूर मिले और प्लांट हेल्दी हो, चलता रहे आपका। और दोस्तों, कभी भी आप इसके ऊपर कोई भी दिक्कत आ जाए तो पेस्टिसाइड का आप इस्तेमाल मत करो बाज़ार से लाके, आप अपना खुद का बनाओ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी सैलरी बनाई थी जो गोबर की खाद से, मैं इसी का ही निरंतर इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे अपने सभी प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स आप देख सकते हो कितने हेल्दी हैं। तो मैं आपको गिया दिखाऊं तो मेरे गिया की ये बेल है और काफ़ी गिया मेरी यहाँ पे लग रही हैं, ये देखो काफ़ी आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, काफ़ी छोटे छोटे मेरे फ्रूट्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सैलरी ये बनानी सीखनी है, ये वाली फर्टिलाइज़र, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके गोबर की खाद कैसे बनाए 10 दिन में वो देख सकते हो। उससे मैंने बनाया था और निरंतर दूसरे तीसरे दिन मैं इसके ऊपर छिड़काव करता हूँ और इसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तो दोस्तों, मेन आता है दोस्तों, अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, अब आप क्या करते हो कि पानी बहुत भरपूर मात्रा में इसको देना शुरू कर देते हो। ऊपर की मिट्टी सूखी दिखी, आपने प्लांट को पानी देना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब सर्दियां हैं, सर्दियों में मॉइस्चर बना रहता है, चाहे आपकी सोयल हो चाहे गोबर की खाद हो। अब आपने इसको 20 दिन तक पानी नहीं देना है, एक बार पूरा पानी देने के बाद। वो क्यों नहीं देना वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप ऊपर की सरफेस में पानी दोगे तो नीचे बॉटम से निकलता हुआ यहाँ से आपके होल में से निकल जाएगा, अंदर की सोयल सारी गिली है, ठीक है। अब इसको सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मॉइस्चर बना हुआ है मौसम में, ठंड का मौसम है, पानी जल्दी सूखेगा नहीं। और आप इसको पानी जब दो, जब आप ऐसे नीचे से खोद के देखो, अगर आपको सूखी लगे तो पानी दो, अदरवाइज इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके 10 दिन हो, 15 दिन हो, या 20 दिन बाद देना हो, चाहे 1 महीने बाद देना हो, ठीक है। दोस्तों, अब ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करना, ओवर वाटरिंग करोगे तो इसके पत्ते आप देखोगे पीले होने लग जाएंगे, जैसे ये हो रहे हैं। तो ये नेचुरल है यार, ये क्योंकि ये शुरुआती पत्ते हैं, ये तो ख़राब होंगे होंगे, ठीक है, ये जाएंगे तभी नए आएंगे। और दोस्तों, इसमें आपको क्या केयर करनी है सर्दियों में, आपको फर्टिलाइज इसको प्रॉपर करते रहना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप बनाना पील्स इसको दे सकते हो, ठीक है, ऑनियन पील्स के फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हो। हफ्ते में एक बार आप 1 गिलास इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका प्लांट भी हेल्दी चलेगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ को लेकर के। जैसे आप देख रहे हो, मेरा प्लांट 2.5 महीने में काफ़ी बड़ा हो चुका है, पॉट के अंदर ही। इसकी हाइट मैंने छोटी रखने की कोशिश की है, ताकि मैं इसको ना बढ़ाऊँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे फल जल्दी चाहिए इस पर। इसकी जो रूट्स थी, जो मेन स्टेम होती है, वो मैंने कट कर दी थी जब मैं लाया था इसकी। और आप देख सकते हो प्लांट की हेल्थ बिल्कुल छोटी है, और फ्रूटिंग पे भी आने वाला है, बस थोड़े दिन में, 1-1.5 महीने में ये फ्रूटिंग पे भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्रूट मेरा आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको केयर करनी है, ये आपको सावधानी रखनी है जो मैंने आपको बताया है। और दोस्तों, कोशिश करो कि गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करो इनके अंदर। जैसे मैंने ये प्योर गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया, मैंने अदर कोई भी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया। और टाइम टू टाइम हो सके तो इसके अंदर आप सरसों की खली का भी आप फर्टिलाइज दे सकते हो, तो ताकि प्लांट को जो पोषक तत्व चाहिए वो भी इसको मिलते रहे। और दोस्तों, मेन बात आपको बताने की मैं भूल गया,
वो बता देता हूँ कि आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है, ये नहीं रखना कि 1-2 घंटे की धूप आ रही है वहाँ पे रखना है। जैसे मेरा यहाँ पे पूरा ओपन है और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर इसको धूप मिलनी चाहिए, तो आप जितना भी कोशिश करो कि इसको आप धूप में ही रखो ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों मेरे पपीते के प्लांट की ग्रोथ कैसी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।